दोस्तों आखिर जैसे ही अब बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को ये कहा कि सभी के सभी कंटेस्टेंट अब एक्टिविटी एरिया में पहुंच जाएं और वहां पर एक नॉमिनेशन टास्क होगा, तो आपको बता दें कि जैसे ही सभी कंटेस्टेंट वहां पर पहुंचे तो आखिर बिग बॉस ने वहां पर ऐश्वर्य शर्मा से ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जिसका जो जवाब ऐश्वर्य शर्मा ने दिया, उस जवाब को सुनकर अंकिता लोखंडे पूरी की पूरी शॉक हो गई और अंकिता लोखंडे पूरी की पूरी हैरान हो गई। और साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस जवाब को सुनकर अंकिता लोखंडे की आंखों में आंसू भी आने लग पड़े। आखिर कौन सा सवाल पूछा है बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट के सामने ऐश्वर्य शर्मा से, और आखिर एक्टिविटी एरिया में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अंकिता के होश उड़ गए। चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको बता देंगे जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब एक और वीकेंड कवार वाला हफ्ता यहाँ पर अब आने वाला है। जहाँ बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं हुआ था क्योंकि सलमान खान ने ये कहा कि दिवाली वाला हफ्ता है इसलिए कोई भी कंटेस्टेंट घर नहीं जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही एक और हफ्ता स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट की सभी कंटेस्टेंट अब नॉमिनेशन के टास्क को पूरा करने के लिए एक्टिविटी एरिया में पहुंच जाए, तो वहां पर बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट के सामने ऐश्वर्य शर्मा से सवाल पूछा कि ऐश्वर्या, इस घर में तुम्हारे सामने जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनमें से तुम क्या चाहती हो कि किसे घर से बेघर होना चाहिए। और आपको बता दें कि बिग बॉस ने यह भी कहा कि जब तुम इस कंटेस्टेंट का नाम लोगी तो उसके पीछे रीजन क्या है मुझे वो भी बताना। और फिर आपको बता दें कि इस सवाल को सुनकर ऐश्वर्य शर्मा ने यह कहा कि सर, मैं हर बार की तरह इस बार भी एक ही नाम लेना चाहती हूँ और उस कंटेस्टेंट का नाम है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे को मैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस हफ्ते घर से बेघर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भी बातें करती है उसे खुद पता नहीं होता है कि आखिर वो बोल क्या रही है और वो सोचती क्या है, इस बारे में भी मुझे आज तक पता नहीं चला है, इसलिए मैं घर से बेघर उसे करना चाहूंगी। फिलहाल इस घर में इतने, वेल आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे